थाना बरहन आवलखेड़ा में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में पड़ने वाले आवलखेड़ा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव रिटायर्ड बैंक कर्मचारी कोमल सिंह का था। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार मौके पर पहुंच गए। ऐसा बताया गया है कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारी कोमल सिंह शुक्रवार शाम को घर से निकले थे। परिवार के लोग कोमल सिंह की तलाश कर रहे थे, लेकिन शनिवार सुबह शव मिल गया। परिवार के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। पापा निकले थे करीब 8 बजे घर से, फिर पता नहीं, फिर चाचा ने बताया घर पे आगे करीब 11 बजे ऐसे वहाँ पे पड़े हुए हैं उनसे लगभग, तो फिर कुछ था ही नहीं, मतलब घर पे कुछ बता के नहीं गए। 10 मिनट बाद पुलिस आ गई, कॉल करी थी, तो जो भी कार्रवाई हुई। थाना बरहन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट का कहना है कि जांच पड़ताल की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। आज दिनांक 26/8/2023 को थाना बरहन पे यह सूचना प्राप्त हुई कि गढ़ी हरजू कच्चा रास्ता में खाली खेत के किनारे एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय टीम, एसओजी सर्विलांस और फील्ड यूनिट पहुंची। व्यक्ति की पहचान एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी कोमल सिंह पुत्र घमंडी लाल के रूप में हुई है। बगल में ही एक स्कूटी भी लाल रंग की उसकी खड़ी मिली है। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति का गला दबा करके हत्या की गई है और पीठ पर किसी नुकीली वस्तु से भी प्रहार किया गया है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट कर लिए गए हैं और टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि आखिर रिटायर्ड बैंक कर्मचारी कोमल सिंह के साथ क्या हुआ, ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।